हेलो रूप रानी, कैसी है? खुश रहो, बड़ा बहुत सही टाइम पे आई हो। और जल्दी आना चाहिए था ना। खूब मजे ले रही है। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. तो हम लोग पहली तैयार थे। ऋषभ को ले लो, ऋषभ कहाँ है? ऋषभ सोनाक्षी को सब लोग यहाँ हम लोग पहले ही जा रहे हैं आइसक्रीम खाने। मैंने चलो हाँ मेरे बाद ये अच्छा किया सब लोग। ऋषभ सोनाक्षी को ऊपर से लेकर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सब कार में बैठ गए हैं और घर से निकल गए हैं। हम लोग का ग्रुप अलग ही होता है, मोनिका जी के साथ हमारा ही बनता है। और मोनिका जी, हम, मेरी दीदी और मेरी प्राची, हम सब पहले ही मेकअप करवा रही हैं और कितना रील्स वगैरह डाल दिए थे आप लोग देखे होंगे। अभी रास्ते में है और बहुत सारे तैयार हुए है। तो पति देव हमारे कार चला चला कर बहुत, मतलब कि एक बार सबको छोड़ेंगे। तो चलिए पार्टी में मिलते हैं। और मंटू कैसा लग रहा है? बढ़िया। मुनिका जी आपको कैसा लगा मेकअप? सबके मेकअप की हो रही है खूब तारीफ। हाँ सही बात, एक से बढ़कर एक से बढ़कर। भाई बंद कर दो, नहीं धूल से पूरा मेकअप भर जाएगा। कर ही नहीं रहेंगे। और सब तैयार होकर निकल गए पार्टी हॉल के लिए। ओहो मेरा तो आ गया गाइस, खूब प्यार दीजिएगा। वैसे तो हमारे में थोड़ा बहुत, मतलब कि पार्टी का वीडियो रहेगा, नहीं तो हम लोगों की चिल मस्ती जो करेंगे वही चीज डालेंगे, जो चीज मतलब कि देखिए पार्टी का वीडियो तो जिन मेन चैनल पे आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत क्लिक करके डाल देंगे आप लोग देख लीजिएगा। नहीं तो मस्ती देखना होगा, चिल्लाहट देखना होगा, हंसी देखना होगा, तो हमारे चैनल पे आ जाइएगा। चलिए पार्टी मिलते हैं, तब तक बने रहिएगा। तो यहाँ देखिए हम लोग पहुँच गए हैं और बाहर का एंट्री और मेरी ननद दूसरी कार से आई है। हम लोग इस कार से कृतिक का फोटो भी लगा। वाह कृति कितना सुंदर सजा हुआ है। तो फाइनली पार्टी हॉल में पहुंचने के बाद सब लोग आ रहे हैं पैदल धीरे धीरे। देखो मैं आ गई है दिल का सराना। तो यहाँ पर देखिए एंट्री हो गया, गुन्नुआ का फोटो लगा हुआ है, बहुत सुंदर सजा हुआ। देखो उल्टा। चलिए अब आगे शूट करिए आगे से। कितना सुंदर, देखिए यहाँ पर एंट्री करिए आलीशान जैसे। देखो बहुत सुंदर सजा यार। ओ भाई साहब जबरदस्त है। सेल्फी स्टैंड यहाँ पर हमारे कीर्ति का जयमाला पड़ेगा। ऐसा लग रहा है भाई जैसे शादी है, इधर तो कोई शादी में नहीं करता होगा भाई। गाइस प्यार को दे देना, इतना सच में कोई शादी में भी नहीं करता होगा अपनी बेटी। तो रो क्यों रही हो? किसी को ठंडा ठंडा बच्चा लगेगा तो अपना लेकर यहाँ बैठ सकते हैं। आलीशान वाह यार सच में। वन देखिए यहाँ पर नंबर भी इनका रखा हुआ है, बिल्कुल कराना। देखिए भाई कौन है, हम लोग खड़े हाय हेलो कर रहे हैं। देखिए टोंटे खड़े हो गए, बहुत सुंदर ऐसा लग रहा है। फाइव स्टार से भी वो है। यहाँ पर देखिए गाइस कैसा लगा जी पार्टी का प्रो डेकोरेशन। आ गई हो? कब आई हो? अच्छा कैसा रहा यहाँ की व्यवस्था? देखो है ये भाभी कलेक्शन आपने जो अच्छा आपने वीडियो तो खूब बना हुआ है लेकिन डाल नहीं पा रहे हैं, टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो गाइस अभी जो मैंने ये साड़ी अभी पहन रखा था पीली वाली थी ना, पीली और बैगनी कलर वाली ना, येलो। अच्छा येलो कलर की साड़ी जो मैंने रुद्राभिषेक पहन रखा था, इनके ही पैसे थे। और बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि साड़ी बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था। जिनकी भी एक इंस्टाग्राम आईडी पेज है, आप लोग इनको जरूर फॉलो करिए और वहाँ से शॉपिंग करिए। अच्छी अच्छी ड्रेस पहनना है तो भाई ये भी एक है, ये भी एक है, मॉडर्न फैशन भी है, जो बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन मिल जाते हैं इनके पैसे जो हम लोग पहनते हैं यहीं से तो पहन लेते हैं।
अब वो गाना ढूंढ दी, अब खड़ी हुई। चलो बनाओ, वो बड़ी सीधी उनका भी मन है, मेरा भी मन है। चलो एक इनका रील शूट कर दो जीजू। तो फाइनली ये सब लोग भी आ गए पार्टी में। कैसा रहा व्यवस्था एकदम? आप लोग गाड़ी इस वाले रास्ते से आए, उस वाले रास्ते से आए तो और मजा आता ना? नहीं, गाड़ी नहीं छोड़ा है। अच्छा नहीं, उधर थोड़ा सा उधर से देखा, उधर तो और अच्छा सुंदर सजा हुआ है। अच्छा देखने आए थे ना वहाँ से? हाँ, नहीं तो जा एक बार उधर घूम के आओ तू। हाँ जा घूम लो एक बार। यहाँ पर हम लोग डांस वगैरह करके बैठ गए हैं और देखिए हमारी दीदी और मम्मी एकदम जलवा लग रही है, जलवा एकदम, दोनों एकदम बहन बहन लग रहे हैं। कुंभ के मेला में खो गए थे। सब लोग आ गए हैं पूरा। हाँ लेकिन सारी सुंदर लग रहा है, सारी शादी है। हाँ ना, तो गाइस फाइनली सारे एकदम फैमिली वाले आ गए हैं। देखिए इधर ये सब अच्छे भी आए गए हैं। हम लोग 6 बजे आ गए थे ना यार, 6 बजे आ गए थे, बहुत ठंडा है। पूछा चले गए यहाँ पर आएंगे। हेलो भैया, सब लोग अच्छे लग रहे हैं। कोई पिंक ऐसा कलर है? हाँ तो खिल गया है। देखिए मम्मी मेकअप करके लेकिन बहुत ही नहीं, मम्मी जो है ना एकदम फिट है और जबरदस्त है और सास ऐसी होनी चाहिए। सामने सामने ही मेकअप किया है। आंटी बैठ के अपने सामने मेकअप कर रही थी। अच्छा आपने काफी दिखा दो उसमें नोट किया गया है, लिखा गया है, इधर भी देख ले। यहाँ क्यों खड़े हैं? अरे वही बुला के लाए हैं, बुला के लाए हैं। तो गाइस बहुत सारे लोग आ रहे हैं, सबको मिला रहे हैं। चलिए आप लोग बने रहिए, मिलते हैं। ये देखिए मनीषा भी आ गई, अच्छी लग रहा है। मम्मी का लाई मम्मी नहीं नहीं सबका है, थोड़ा बहुत किसी का लाइट है, किसी का डार्क है। लेकिन जो आंटी की साड़ी है ना, ये साड़ी बिल्कुल एक जैसी लग रही है ना, कढ़ाई स्टोन्स वगैरह बिल्कुल भी, बस थोड़ा सा लाइट और डार्क है। और कुछ ना जल्दी सीधी ऑस्ट्रेलिया ठीक है, हमको ले चलो। आंटी पासपोर्ट बनवा लीजिए, मैं आपको लेके चलूँगी। मैं मार्च में जा रही हूँ, जिसको चले उस पासपोर्ट बनवा लो। हमको तो पता ही नहीं कैसे बनता है। सासवत भाई कहाँ रहेंगे? आएगी बस। अच्छा लेट रहते हैं हर जगह। जीजा जी हमारे देखिए एकदम बिल्कुल दीदी से मैच कलर पहने हुए, मैचिंग मैचिंग। ये वो है मॉडल फैशन की साड़ी, वो साड़ी जो आपने पहना है ना।
बहुत चुभ रहा था। दूसरे 700 में खरीद के लाए। अच्छा लग रहा है, कोई नहीं। नहीं आप भी लग रहे हैं। अच्छा, जो मैंने साड़ी पिला लोग एक भी निकला कि नहीं है साड़ी की है इनका की थी अभी बहुत। हम तो खुद ही सूट कर रहे, मेरा क्या ले रहे इसलिए हम इसमें ले रहे ना, या सबका ले रहे तो आप नहीं आ रहे हैं तो हम भी ले ले इसमें। चलो अच्छी बात है, मुझे भी लेते रहो। तो गाइस मैं अपना ले लेता हूँ क्योंकि मैं नहीं ले पा रहा हूँ। अच्छी लग रही हो। आइए अप्सरा जी आइए। अप्सरा करोल बाग की आन बान शान गुरमीत जी आ गई है। जब नहीं जानते हैं तो हम लोग ऐसे यही है, नाम तो पता होना चाहिए कौन है। और हेलो जी, और कैसे हो? भाई बाबू के बर्थडे में सबने बड़ा पैसा खर्चा किया है। हाँ सबने थीम ऐसी रखी थी और नहीं तो। इन्होंने भाई दो दिन पहले लेकर तो चलिए भाई ये सब मिल लिए, अब हम भी थोड़ा मुलाकात कर लेते हैं लेडीज़ों का बता रहे। चाबी अच्छा, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो, सब लोग एक से बढ़कर एक लग रहे हैं। ओहो उधर देखिए, नहीं है तो बाबू के एंट्री के लिए देखिए एकदम लाइन से सब खड़े हुए हुए हैं। और वहाँ पर देखिए सारे जेंट्स सारी हम भी हैं गाइस, इधर खड़े हुए हैं। We'll be right back.
इधर हमारी सरिता दीदी भी आ गई हैं, मम्मी बात कर रही हैं उनसे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो चलो आप लोग स्नैक्स रेडी हो चुका है, तो आप लोग सभी स्नैक्स ले लेते हैं और पहले गेम्स खेलते हैं। इसके साथ खेलते हैं 18 प्लस जितने भी गर्ल्स हैं, है ना, क्या बात है। तो 18 प्लस, हाँ अरे भाई मैं से आप पैक हो जाओ, एक बार ढोल रोक दीजिए, एक बार ढोल रोक दीजिए प्लीज। अच्छा, सब लोग आधार कार्ड निकाल लो अपना, सभी लोग कैमरे को रोक दीजिए प्लीज। अरे हाजिर, ये 18 प्लस नहीं है, इनको सबसे ज्यादा भूख लग रही है मुझे लगता है। प्राची 18 प्लस, इनको भी मिला लो यार। और आप लोग क्यों खड़े हुए हैं? पूजा 18 प्लस नहीं। खेलते डांसिंग गेम, देखिए आप मेरे से बड़े यूट्यूबर हैं, मेरे कोई यूट्यूब पे वीडियो नहीं है, कुछ कुछ नहीं है, फॉलो नहीं है, कुछ नहीं है, बट एक मैं छोटी सी एंकर हूँ। तो आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, इस गेम को थोड़ी भी लोग एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, धमाल करेंगे, जितनी देर में यहाँ होंगी सभी को एंजॉय कराना चाहूंगी। अब हाथ छोड़ देंगे, अब गेम्स के रूल सुनेंगे, ठीक है, सारे डांसिंग सॉन्ग लाना, ठीक है, मस्त वाले। ओके गेम्स के रूल सुनेंगे, थोड़ा सा सर्कल बड़ा कर लीजिए, उनको भी ऐड कर लीजिए। तो म्यूजिक चलेगा ऐसे राउंड राउंड घूमना है और डांस करना है, म्यूजिक चलेगा ऐसे राउंड राउंड घूमेंगे और डांस करेंगे। मैं बोलूंगी मैं ग्रुप टू, तो टू का पेयर, थ्री तो थ्री का पेयर, फोर तो फोर का पेयर, पेयर बनाने ग्रुप बनाने। ओके सर मैम गेम्स खेल रही है, थोड़ी देर इसको पकड़ लेंगे, अरे गेम्स खेलेंगे तुम बोलो। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं गेम्स, ट्राई करते हैं समझ आ जाएगा क्या है गेम। डीजे प्लीज म्यूजिक, डीजे प्लीज म्यूजिक। दीदी को पकड़ गाइस। जो बाबू के बर्थडे पार्टी में गेम खिलाया गया था वो वाला क्या जी, जो ग्रुप में ना डांस में डीजे पे उसको साथी बनाओ, मतलब कि लास्ट में क्या हुआ, कृतिक के बर्थडे में मैंने ना मतलब कि इनके फंक्शन का ना मतलब कि नाक नहीं कटने दिया, इतने सारे लोग के बीच में बहुत सारे लोग के साथ गेम खिलाया गया था। तो कहते हैं ना कि मैंने ठान लिया था कि एक तो मेरे बच्चे से दोनों रिश्ता है, मासी माँ बड़ी माँ के वजह से मैंने बोला नहीं ये तो गेम मुझे जीतना है,
इसलिए मैंने नाक नहीं करने दिया, इसलिए मैंने जीत ली। और मैंने क्लिप नहीं शूट किया है क्योंकि मेरे मोबाइल हो गए थे स्विच ऑफ। तो हमने एक चॉकलेट का बॉक्स मिला था जो कि मेरे पास भी नहीं है। परी अगर मेरा वीडियो देख रहे मेरा चॉकलेट पहुंचा देना, वो मैंने जीता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।